अच्छा जी, तो ये लास्ट हमने एनर्जी चेंजेस की बात की थी कि हाउ टू फाइंड आउट डेल्टा एच आर एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली जो है ये आप डेल्टा एच आर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरा हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप के सवाल इसमें बन सकते हैं। ठीक है, एक मिनट जरा मैं कोई क्वेश्चन निकाल लूँ। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है कि 1 ग्राम ऑफ सक्रोज इज कम्प्लीटली कम्बस्टेड। ठीक है, आपके पास क्या है, 1 ग्राम ऑफ सक्रोज इज कम्प्लीटली कम्बस्टेड। ठीक है, इसकी कम्बस्शन हो रही है, कम्प्लीटली कम्बस्टेड, द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 250 ग्राम्स ऑफ वाटर। यानी अब ये किस तरह से एक्सपेरिमेंट हो रहा है, थोड़ा सा अगर आप इसको अगर समझे, यानी लेट सपोज हमारे पास 250 ग्राम सक्रो सॉरी 1 ग्राम सक्रोज है। ठीक है, और ये हमने लेट से स्प्रिट लैंप ले लिया। ठीक है, लेट से ये हमारे पास स्प्रिट लैंप है और इसमें आपने 1 ग्राम सक्रोज जो है वो ले लिया। ठीक है, तो वी हैव 1 ग्राम सक्रोज, दिस इज 1 ग्राम सक्रोज। ठीक है, ये आपने स्प्रिट लैंप पे ले लिया। अब इसमें इसको आप जला रहे हैं, ठीक है, मतलब इसकी कम्बस्शन हो रही है और इससे जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है उसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 250 ग्राम्स ऑफ वाटर। यानी आपके पास एक बीकर में या किसी भी कंटेनर में, लेट से मेरे पास एक बीकर है और उसमें 250 ग्राम्स वाटर है। ठीक है, दिस इज 250 ग्राम्स वाटर, मतलब 1 ग्राम सक्रोज को जब आप हीट कर रहे हैं और इसकी कम्बस्शन हो रही है तो इससे जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है उस हीट एनर्जी को आप यूटिलाइज कर रहे हैं टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 250 ग्राम्स ऑफ वाटर। यानी ये जो पानी है इसका टेम्परेचर जो है वो आप मतलब नोट कर रहे हैं और इसके लिए आपने इसमें थर्मामीटर जो है वो, लेट से ये हमारे पास थर्मामीटर जो है वो इसमें मौजूद है। ठीक है, ये थर्मामीटर है जी। ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा है बेटा? जी सर। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि ऑब्वियसली यहाँ पे हीट लॉसेस काफी ज्यादा होंगे क्योंकि जो भी हीट एनर्जी सक्रोज से रिलीज हो रही है वो सारी की सारी तो वाटर को, वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने में यूटिलाइज नहीं हो रही होगी, मतलब सम अमाउंट ऑफ दैट हीट एनर्जी वुड बी लॉस्टेड एज वेल। ठीक है, ये लॉस भी हो रही होगी, तो ये भी ध्यान में रखें कि यहाँ पे सारी की सारी हीट एनर्जी आप यूटिलाइज नहीं कर रहे। ठीक है, तो आप इसको कम कर सकते हैं बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ, लेट से आपने ड्रॉट शील्ड यूज कर दी, इसको कवर कर दिया, बट ये है कि मतलब हीट लॉसेस होंगे, देयर विल बी हीट लॉसेस ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि 1 ग्राम ऑफ सक्रोज इज कम्प्लीटली कम्बस्टेड, द हीट एनर्जी प्रोड्यूस इज यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 250 ग्राम्स ऑफ वाटर इनसाइड अ कैलोरीमीटर। तो हमारे पास वाटर कितना है, 250 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब इस किस्म के जो एपरेटस होते हैं ना जिसमें आप हीट चेंज मेजर करते हैं, इस किस्म के एपरेटस को हम नाम देते हैं, दीज आर नोन एज कैलोरीमीटर्स। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा कैलोरीमीटर है जो कि हम यूज कर रहे हैं टू फाइंड आउट द हीट चेंज विच अकर्स व्हेन 1 ग्राम ऑफ सक्रोज इज बर्न। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि वो जो आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड की वाटर को टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 250 ग्राम ऑफ वाटर इन साइड अ कैलोरीमीटर फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर में क्या चेंज आ रहा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 पॉइंट। यानी मैं सिंपल बस ये बता रहा हूँ कि आपने ये जो सक्रोज की कम्बस्शन की है तो इससे जो हीट एनर्जी रिलीज हुई है इससे पानी के टेम्परेचर में क्या चेंज आया है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 40.7, ये इसका टेम्परेचर चेंज आया है। ठीक है, तो रेज द टेम्परेचर ऑफ 250 ग्राम ऑफ वाटर इन साइड अ कैलोरीमीटर फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40.7। यानी ये इनिशियल टेम्परेचर था और मैक्सिमम टेम्परेचर राइज कितना आया है, मैक्सिमम टेम्परेचर राइज तो ये 40.7 का आया। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है बेटा क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है, एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देयर सेइंग कि यूज द डेटा बुकलेट टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज इन किलो जूल्स पर मोल फॉर द कम्बस्शन ऑफ सक्रोज। तो आपने कैलकुलेट क्या करनी है, डेल्टा एच कम्बस्शन ऑफ सक्रोज ये हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, डेल्टा एच कम्बस्शन ऑफ सक्रोज ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपने ये कम्बस्शन ऑफ सक्रोज जो है वो फाइंड आउट करनी है और इसके लिए हम सिंपल जो फॉर्मूला यूज करेंगे, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था दैट वुड बी क्यू इज इक्वल्स टू एम
सी डेल्टा टी, ठीक है। अब इसमें क्यू क्या है, ये हीट चेंज है, ठीक है। क्यू जो है ये हीट चेंज, या आप कह लें कि हीट एनर्जी, जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, तो हीट एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब, यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कम्बशन हो रही है। एम क्या है, सुपर मास, किस चीज का मास, का बन नहीं, जिसका टेम्परेचर आपने नोट किया है, ये जो आपने टेम्परेचर नोट किया है, ये किस चीज का सुपर वाटर टेम्परेचर का नोट किया है, होगा, वाटर वाटर का। का, तो मास ऑफ वाटर लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। जिस चीज का आप टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, सिंपल ये ध्यान में रखें कि ये जो एम आपने लेना है, ये किसका, कि जिसका टेम्परेचर, यानी जहां पे टेम्परेचर चेंज आ रहा है, ठीक है, तो मास ऑफ वाटर। इसी तरीके से सी क्या है, सर स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, और ये भी किसकी होगी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है। और डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है, 40.7 - 25, कितना आ जाएगा, ये 15.7, सेवन ठीक है जी, ये आपके पास चेंज इन टेम्परेचर आ गया। तो अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते, तो मास ऑफ वाटर कितना है हमारे पास, 250 ग्राम्स, सर, इसको चेंज करेंगे किलोग्राम्स में। नहीं बेटा इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम ग्राम्स में ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू हम लेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, वो भी जूल्स पर ग्राम पर केल्विन है, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट ग्राम्स में ही ले लेते हैं। अच्छा जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू जो है, ये आप सर डेटा फोर बुकलेट पॉइंट से टू 4.2 या 4.18, ठीक है, ये आपको डेटा सेक्शन से मिल जाएगी। तो चले 4.18 जो है ये हम वैल्यू ले लेते हैं, और डेल्टा टी कितनी है, 15.7, तो क्या आंसर आ रहा है इसका। हाँ जी सर बेटा, क्या आंसर, -16,406.5 माइनस नहीं आ रहा, 16,406.5 सर ब्रैकेट के बाहर सिक्स, माइनस लगाएंगे ना। हाँ वो हम, क्योंकि एनर्जी चेंज मतलब कंबस्शन है, तो आप -MC Δt लिख सकते हैं, बट अभी ये है कि चले हम इसको डायरेक्ट यही लिख लेते हैं। 16,000 क्या है, 406.5 16,406.5, और ये क्या होगा, जूल्स में आंसर आएगा, ठीक है। और क्योंकि ये कंबस्शन है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि ये क्यू इज इक्वल्स टू -MC Δt होगी, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। बट अभी क्योंकि यहाँ पे ऐसा साइन वगैरह पूछा नहीं गया, हमसे डेल्टा एच पूछी गई है और उसका हमें साइन देना है, तो वो नेगेटिव साइन ही आएगा। आप डायरेक्ट चाहें तो यहीं पे फॉर्मूले में माइनस लगा दे, या आगे चल के आप वैल्यू में माइनस ऐड कर दे, तो वो आपकी मर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये जूल्स में आंसर आ गया। अब सबसे पहले तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं किलो जूल्स के अंदर, ठीक है। तो किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करेंगे, बाय तो ये कितना हो जाएगा, 16.406 किलो जूल्स, ये आपके पास किलो जूल्स में आंसर आ गया, ठीक है। अब मेन जो क्वेश्चन है आपसे वो क्या है, कि यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एच सी, हीट ऑफ कम्बस्शन ऑफ सक्रोज फाइंड आउट करनी है। तो ये जो आपने एनर्जी कैलकुलेट की है, ये कौन सी एनर्जी है, या ये हीट ऑफ कम्बस्शन आ गई है, एंथैल्पी चेंज ऑफ कम्बस्शन कैलकुलेट करनी है हमने, या अभी कुछ और करेंगे इसमें। सर, ये डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर नहीं हो? देखें यहाँ पे आपने बेसिकली, अगर आप देखें तो आपने 1 ग्राम सक्रोज की कंबस्शन की है, तो ये जो एनर्जी चेंज आया है, दिस इज व्हेन 1 ग्राम ऑफ सक्रोज इज बीइंग कंबस्टेड। और हीट ऑफ कंबस्शन क्या है, कि व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, याद होगा आपको एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन, उसको हमने डिफाइन किया था ना, एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन क्या होती है, डेल्टा एच सी, हीट ऑफ कंबस्शन क्या होती है, व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बर्न्स इन एक्सेस ऑक्सीजन, याद है ना ये डेफिनेशन आपको, हीट ऑफ कंबस्शन जी जी बेटा, सर, बात। जी सर, तो ये जो आपने एनर्जी कैलकुलेट की है, दिस इज व्हेन 1 ग्राम ऑफ सक्रोज, 1 ग्राम ऑफ सक्रोज इज कंबस्टेड, ठीक है। ये तो आपने जो एनर्जी कैलकुलेट की है, ये 1 ग्राम की है। अब मुझे देखना है कि सर हम उसके मोल्स नहीं निकाल देंगे।
जी उसको मोल्स किया, तो इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लें या सक्रोज के एक मोल का मास कैलकुलेट कर लें। सक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11, ठीक है, दिस इज दी एमआर ऑफ सक्रोज, तो इसका एमआर कैलकुलेट कर लें। सर सुक्रोज का ये फॉर्मूला दिया हुआ था क्वेश्चन में? जी जी ये गिवन है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है मई जून 2020 में, यहाँ पर लिख देता हूँ मई जून 2020 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हाँ जी इसका एमआर क्या आ रहा है बेटा? 12 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस, जी कितना आ रहा है? 342 सर। 342, ठीक है, तो ये इसके एक मोल का मास आ गया। जी बेटा अब हीट ऑफ कंबस्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी हमने सिंपल देखा कि 1 ग्राम ऑफ सक्रोज अगर इसके इसको बर्न किया जाए तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 16.406। तो अगर इसकी जगह पे 342 ग्राम की कंबस्शन होगी तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये आपने देख लेना। जी बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का? और ये माइनस में होगा क्योंकि कंबस्शन है, ठीक है, तो दिस वुड बी माइनस 5610.8852 है सर, ठीक है, या 5611 कर दें, ठीक है, एक ही बात है, तो किलो जूल्स पर मोल ये आंसर आ गया। हाँ जी बेटा क्लियर है ये सबको? सर वो मुझे रेशियो समझ नहीं आया सर, मेरी भी क्लास लीव हो गई थी, आप ये लास्ट में समझा दें। जी बेटा देखिए ये हमने ये जो एनर्जी कैलकुलेट की है, ये जो आपके पास आंसर आया 16.406, ठीक है, ये कब आया यानी ये एनर्जी कब रिलीज हुई है, जब आपने 1 ग्राम ऑफ सक्रोज की बर्निंग की है, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ सक्रोज, यानी अगर हम 1 ग्राम सक्रोज को बर्न करते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 16.406। बट क्वेश्चन क्या है, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ सक्रोज, यानी कि जब आप इसका 1 मोल बर्न करेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो हमने सिंपल रेशियो बना लिया कि अगर 1 ग्राम सक्रोज बर्न किया जाए तो 16.406 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी, तो अगर 342 ग्राम्स की बर्निंग होगी तो फिर कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो ये आपके पास 1 मोल की एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, फिर उसके बाद आपने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर आ जाएगा। चले अच्छा एक और क्वेश्चन हमने करना है, एक मिनट जरा आप होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी बेटा अब ये है कि हम जरा एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, उसमें आपका ये हैसेज लॉ वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा और इसके अलावा ये डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटली जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा यानी अब सिंपल क्वेश्चन क्या है कि फॉर सम केमिकल रिएक्शन सच एज थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन है किसकी, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, ठीक है, जैसे हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे कि सर्टन रिएक्शन के लिए आप डेल्टा एच जो है वो डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इन सच केसेस द यूज ऑफ हैसेज लॉ इनेबल्स द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एंथैल्पी चेंज ऑफ अदर रिएक्शंस, ठीक है, यानी अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एच डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते तो फिर उसको आप हैसेज लॉ की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट हैसेज लॉ, और हैसेज लॉ को हम मतलब सिंपल पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, वो सिंपल द स्टेटमेंट है कि एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिटरमिन द एंथैल्पी चेंज फॉर द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स वर कैरिड आउट, दो एक्सपेरिमेंट किए गए, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट वन क्या है, 30 cm³ ऑफ 2 moles पर dm³ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एन एक्सेस वॉज प्लेस्ड इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड द टेम्परेचर रिकॉर्डेड एज 21.0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आपने क्या किया कि सिंपल एक कॉनिकल फ्लास्क ले लिया, ठीक है, और इस कॉनिकल फ्लास्क में 30 cm³
हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है, ठीक है, और जिसकी कंसंट्रेशन भी गिवन है और ये एक्सेस में है। और इनिशियल टेम्परेचर कितना है, यानी आपने यहाँ पे थर्मामीटर भी रख दिया और उससे टेम्परेचर जो है वो हम नोट कर रहे हैं, तो इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। नाउ व्हेन 0.02 मोल्स ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट वाज एडेड, अब आप इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, पोटेशियम कार्बोनेट जो है ये आपने इसमें ऐड किया K2CO3, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट ऐड किया, वाज एडेड टू द एसिड एंड द मिक्सचर स्टर्ड विद अ थर्मामीटर, द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड वाज 26.2 डिग्री सेंटीग्रेड। कंस्ट्रक्ट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। हाँ जी, रिएक्शन बताएं बेटा क्या होगा, पोटेशियम कार्बोनेट रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, पोटेशियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, ये सिंपल रिएक्शन है, एसिड रिएक्टिंग विद मेटल कार्बोनेट गिव सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बैलेंस कर लें, यहाँ 2 पोटेशियम और ये 2, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन एक्सपेरिमेंट 1, ठीक है, वही क्यू आपने कैलकुलेट करना है, स्टेटिंग योर यूनिट्स, यूज रेलिवेंट डेटा फ्रॉम द डेटा बुकलेट, यानी वही सी की वैल्यू के लिए आप डेटा बुकलेट यूज करेंगे, अब क्योंकि डेटा बुकलेट नहीं होती तो आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन होगी, assume that all solutions, अच्छा अब देखें, assume that all solutions have the same specific heat capacity as water, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब इस किस्म की calculations में, यानी आपने formula क्या ले लिया, again वही Q is equals to mc delta T, अच्छा अब यहाँ पे जब आप m की value लेंगे, एक चीज ध्यान में रखिएगा बेटा, मतलब आपके पास ये जो solution है ये किसका है, HCl aqueous, यानी HCl dissolved in water, तो यह मतलब जो मेन आपका सॉल्वेंट है वो क्या है, पानी, तो आप जो टेम्परेचर नोट कर रहे हैं ये वाटर का टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, यानी ये जो टेम्परेचर चेंज आया है 21 से 26.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, आपके पास इनिशियल टेम्परेचर किसका था, 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पानी का टेम्परेचर था, क्योंकि मेन जो आपके पास सब्सटेंस है वो सॉल्वेंट है आपका, सॉल्वेंट जो है वो सराउंडिंग्स में काउंट होता है, ठीक है, तो आप टेम्परेचर चेंज किसका नोट कर रहे हैं, वाटर का, तो 21 से 26.2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये वाटर का टेम्परेचर चेंज हुआ है, ठीक है, तो अब कितना वाटर है आपके पास, अब यहाँ पे आप सिंपली अज्यूम कर लेंगे कि ये जो वॉल्यूम गिवन है हमें 30 cm³ ऑफ 2 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑल्दो ये डाइल्यूट एसिड का वॉल्यूम है, बट हम यहाँ पे ये असम्पशन ले लेते हैं कि दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये पानी का वॉल्यूम है, क्योंकि एसिड वैसे भी स्मॉल अमाउंट में होगा, तो मेन जो सब्सटेंस है वो पानी है, तो हम टोटल वॉल्यूम पानी का ही कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, बात समझ में आ रही है मेरी, जी सर, सर ये वॉल्यूम वाली नहीं आई मुझे, यानी आप ये देखें ना कि आप टेम्परेचर किसका नोट कर रहे हैं, पहले तो ये डिसाइड करें, टेम्परेचर आपने किसका नोट किया, सर वाटर का, वाटर का, ठीक है, क्योंकि मेन आपके पास सब्सटेंस क्या है फ्लास्क के अंदर, पानी, पानी जो है वो एज अ सॉल्वेंट है, ठीक है, अब कितना वाटर है आपके पास ये आपने डिसाइड करना है, ठीक है, कि वाटर है कितना, तो आप वाटर का अमाउंट तो नहीं दिया, लेकिन मुझे सोल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया है, कि सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 30 cm³, अब सोल्यूशन में मेन कॉम्पोनेंट क्या है, सर एसिड और बेस है, बेस कौन सी है यहाँ पे, पोटेशियम कार्बोनेट वो तो बाद में आपने ऐड किया ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो सॉलिड फॉर्म में, ये जो सॉल्यूशन है HCl डिसॉल्वड इन वाटर, इसमें सॉल्यूट क्या है, जी बेटा HCl डिसॉल्वड इन वाटर में सॉल्यूट क्या है, सर HCl और सॉल्वेंट क्या है, वाटर, वाटर, तो मेजर कंपोनेंट क्या हुआ, HCl, सॉल्यूट ज्यादा होगा या सॉल्वेंट ज्यादा होगा, वाटर, सॉल्वेंट ज्यादा होगा सर, सॉल्वेंट ज्यादा होगा ना, तो मेजर कंपोनेंट क्या चीज होगी, मतलब ज्यादा वॉल्यूम किस चीज का होगा, सर वाटर का, वाटर का होगा, तो ये जो 30 cm³ है, ऑल्दो ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये सॉल्यूशन का नहीं बल्कि ये वाटर का वॉल्यूम है, बात समझ में आ रही है आपको, यानी हम इस assumption के साथ कैलकुलेशन करेंगे कि बजाय इसके आप इसको डाइल्यूट एसिड का वॉल्यूम कंसिडर करें, आप ये assume कर लेंगे यहाँ पे कि ये वाटर का वॉल्यूम, अगर आप देखें यहाँ पे तो ये क्वेश्चन में भी ये चीज मेंशन है, assume that all solutions have the same specific heat capacity as water, ये लाइन क्यों लिखी गई है यहाँ पे, कि आपने सोल्यूशन को वाटर का सोल्यूशन कंसिडर करना है, अब बात समझ में आ रही है, जी सर, लेकिन सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जी जी सर, हम
वैसे रेशो लगा के वाटर के मोल्स क्यों नहीं कैलकुलेट करे, जैसे 2:1 करके HCl के मोल्स से वाटर के मोल्स निकाल के फिर मास निकाल लें। मतलब आप ये इस इक्वेशन की बात कर रही हैं, जी सर। तो इस इक्वेशन में तो HCl वैसे ही एक्सेस में है ना, मुझे क्या पता HCl कितना यूज हो रहा अच्छा, सही है सर। है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मतलब एक तो ये बात हो गई कि जो सोल्यूशन है, मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये प्योर वाटर है, बट स्टिल अभी तक मास की बात तो हुई नहीं कि मास हम कैसे लेंगे पानी का। ठीक है, तो अब वाटर के लिए मतलब वाटर की डेंसिटी क्या है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये वाटर की डेंसिटी है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये वाटर की डेंसिटी है, मैक्सिमम डेंसिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर वाटर 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हर 1 cm³ का मास कितना है, 1 ग्राम। तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास 5 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है तो उसका मास कितना होगा, 5 ग्राम होगा। समझ आ रही है बात, दिस इज ये डेंसिटी ऑफ वाटर है। हाँ जी, ये बात समझ में आई है। देखिए ये समझ नहीं आया। ना, आप कह रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, 1 ग्राम पर cm³, यानी हर 1 cm³ में कितना मास मौजूद है, 1 ग्राम। तो इसका मतलब 1 cm³ का मास क्या है, 1 ग्राम। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है कि हर 1 cm³, डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप कह रहे हैं कि हर सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है, 1 ग्राम। तो यानी हर पानी के लिए हर 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास किसके बराबर होगा, 1 ग्राम के बराबर। तो अगर मेरे पास 30 cm³ वाटर है तो इसका मतलब मेरे पास कितना थर्टी मास ग्राम 30 ग्राम्स वाटर होगा। अब बात समझ में आई है ये? जी सर। हाँ जी, ये सबको क्लियर है बेटा, मतलब जी ये वो सर। कॉन्सेप्ट है जो आपने इस किस्म के हर सवाल में यूज करना है। ठीक है ना, हम हर जगह पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की ही लेंगे, तो जो भी सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा हम उसे वाटर का वॉल्यूम अज्यूम करेंगे, और वहीं से वाटर का मास भी आ जाएगा हमारे पास, कि मतलब हमारे पास वाटर का मास कितना है, इफ वी हैव 30 cm³ ऑफ वाटर दैट मीन्स वी हैव 30 ग्राम्स ऑफ वाटर। जी, क्लियर हो गई बात। जी सर। चले अब इसको रब कर देते हैं, तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। तो मास ऑफ वाटर कितना है, 30 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की लेंगे, 4.2, और डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, चेंज इन टेम्परेचर 26.2 -21, तो ये आ जाएगा 5.2। तो क्या आंसर आ रहा है इसका, जी सर 655.22 655.2 655.2 ये जूल्स में आंसर आ गया। ठीक है, और चाहे तो इसको यहीं पे किलो जूल्स में कन्वर्ट कर लें। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट पार्ट, यहां तक बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। चलें अब नेक्स्ट पार्ट देखें, यूज योर आंसर टू टू, यानी ये जो आपने आंसर कैलकुलेट किया है, टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज पर मोल ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। अब आपने क्या कैलकुलेट करनी है, इंथैल्पी चेंज पर मोल ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, यानी व्हेन 1 मोल ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्सेस एचसीएल तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल ही इन्वॉल्व है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको सिंपल इस रिएक्शन की डेल्टा एच आर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज पर मोल ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, गिव योर आंसर इन किलो जूल्स पर मोल एंड इंक्लूड अ साइन इन योर आंसर। देखें आपसे सवाल क्या है, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज पर मोल ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, यानी अगर 1 मोल पोटेशियम कार्बोनेट रिएक्ट करे एचसीएल के साथ तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। अब आप देखें ये जो आपने एनर्जी कैलकुलेट की है, इसमें पोटेशियम कार्बोनेट के कितने मोल्स ने रिएक्ट किया है, 1 मोल सर। नहीं क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना आपने, ये देखें ये मेंशन है 0.02 मोल्स ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, कितना ऐड किया था आपने पोटेशियम कार्बोनेट, जब आपने पॉइंट पॉइंट जीरो जीरो टू जी सर। पॉइंट जीरो टू जब आपने ऐड किया तो ये टेम्परेचर चेंज आया ना 26.2। तो दैट मीन्स ये जो हमने एनर्जी कैलकुलेट की है ये कब कैलकुलेट की है, कि व्हेन 0.02 मोल्स ऑफ K2CO3 इज एडेड, तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, 650, इसको जूल्स में किलो जूल्स में कन्वर्ट कर दें तो 0.6552 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज। समझ आ रही है ये बात, जी सर। जी सर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में मेंशन है टेम्परेचर चेंज कब आएगा, खाली एचसीएल में तो टेम्परेचर चेंज नहीं आना ना, जब आपने पोटेशियम कार्बोनेट ऐड किया है तो टेम्परेचर चेंज आया है।
तो आपने सिंपल ये देखना है कि आपने कितना पोटेशियम कार्बोनेट ऐड किया है। तो यहाँ ऑलरेडी इन्होंने मैं मोल्स में दिया हुआ है कि व्हेन 0.02 मोल्स ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट एडेड। तो अब मुझे सिंपल एक मोल के लिए फाइंड आउट करना है। तो अगर 0.02 मोल से इतनी एनर्जी चेंज आ रहा है तो 1 मोल ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट से 32.76 32.76 और साइन क्या लगेगा? हाँ जी, साइन क्या आएगा? माइनस का, क्योंकि टेम्परेचर बड़ा है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। इनिशियल टेम्परेचर 21 था, फाइनल टेम्परेचर 26.2 है, तो इसका मतलब राइज इन टेम्परेचर है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्स वुड बी इक्वल टू माइनस, क्या बताया आपने, 30? कितनी बताइए बेटा? 32.76, ये आपके पास किलो जूल्स पर मोल, ठीक है जी। हाँ जी, ये कैलकुलेशन समझ में आई है सबको? जी सर। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है ये? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। व्हाई दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मस्ट बी इन एक्सेस, HCl आपने एक्सेस में क्यों रखा है? सो दैट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन अकर्स, ठीक है। मतलब इसका सिंपल सा आंसर यही हो जाएगा कि HCl का एक्सेस में होने का रीजन क्या है, ताकि सारा का सारा पोटेशियम कार्बोनेट बिहेव करे, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन अकर्स, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, अब ये एक्सपेरिमेंट टू, अब आप ये ईयर नोट करें और मैं आपको बल्कि ये सेंड भी कर देता हूँ अभी ग्रुप में क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसका एक्सपेरिमेंट टू आपने सॉल्व करना है, और फिर उसके बाद ये पार्ट डी जो है ये हेसेस साइकिल का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इन दोनों वैल्यू से पहले आप एक्सपेरिमेंट वन का तो वैल्यू हमने निकाल ली, टू की आप निकालेंगे, और फिर पार्ट डी भी आपने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा,